देखिए बाकी सब तो छोड़िए, मोदी जी आपके यूपी को थोड़ी ना चलाने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनने वाले हैं, तो मोदी जी के नाम पर कैसे ये स्ट्रैटेजी चल जैसे सकता है? जैसे हरियाणा में मोदी जी जाके मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, कोई पहले कोई फेस नहीं अनाउंस किया था, जैसे महाराष्ट्र में कोई मोदी जी जाकर के वहां के सीएम नहीं है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सीएम बनने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उनकी विश्वसनीयता है, लेकिन एक पार्टी की स्ट्रेटजी होती है उसके अंतर्गत जो है कि भाई कम से कम मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं कि बीजेपी में समाजवादी पार्टी की तरह से फेस बनने के लिए, सीएम बनने के लिए संघर्ष तो नहीं हो रहा है, जूतम पैजाम तो नहीं हो रही है, आपसी मारपीट तो नहीं हो रही है, पार्टी के अंदर एक दूसरे पर कीचड़ तो नहीं उछाला जा रहा है, एक दूसरे से रोज नाराज होने और मनाने का खेल तो नहीं चल रहा है, बीजेपी में सब मिलकर के काम कर रहे हैं और पार्टी उसमें तय करेगी। टू टेक यू बैक टू, आपने जो बोला कि हम ट्रोलिंग को रोकते नहीं है, डिसेंसी को नहीं इनकरेज करते, लेकिन ट्रोलिंग को रोकते नहीं, हमें लगता है एक तरह की एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप इसको कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी का भी नाम कई क्रिटिक्स ऑपोजिशन वालों ने लाया, उन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर्स फॉलोइंग सम पीपल जो ठीक भाषा नहीं यूज करते, तो अपनी वॉलंटियर्स को क्या कहते हैं, लाइन कहां ड्रॉ होती है? नहीं, मेरे कहने का जो आशय है कि ट्रोलिंग को रोकने की बात यह है कि हम बिल्कुल ही समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारे पार्टी से जुड़ा नहीं है, वो हमारे पार्टी से इत्तफाक रखता है, पार्टी से वो सपोर्टर है, लेकिन वो जुड़ा नहीं है, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं।